खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रामगंज इलाके में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों में अब गर्भवती महिलाएं भी चपेट में आने लगी हैं। पिछले दो दिनों की बात की जाए तो दो गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए एसएमएस और आरयूएचएस के बाद अब महिला हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज की डेडिकेटेड व्यवस्था शुरू की गई है और इसी को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। राजस्थान समेत देश भर में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्होंने भी अपनी ताकत जो है फील्ड में झोंक दी है। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे बात करते हैं इस वक्त क्या स्थिति है अस्पताल की और क्या तैयारियाँ अब आगे के लिए, क्योंकि लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये मौजूदा हालात क्या है अस्पताल की? देखिए, डेफिनेटली एसएमएस हॉस्पिटल कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल्स है। हम लोग बहुत ही शुरू से प्रिपेयर थे एंड वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। हमने आइसोलेशन हॉस्पिटल के साथ साथ चरक ओपीडी और एक सस्पेक्ट्स के लिए हमने एक सेपरेट हॉस्पिटल बनाया और प्रैक्टिकली होल एसएमएस को हमने कोविड केयर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है। बट हम लोग इतने प्रॉपरली प्लान्ड हैं, इतने प्रॉपरली ट्रेंड हैं, हमारा पोस्टिंग ऑफ द डॉक्टर्स, पोस्टिंग ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, प्रोटोकॉल ऑफ द ट्रीटमेंट इतना सेट है विथ ऑल द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ऑल द स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस, दैट किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं है। सर, अभी इस वक्त बच्चे जो हैं वो भी आ रहे हैं पॉजिटिव, साथ ही गर्भवती महिलाएं भी आ रही है, तो उनको लेकर के अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए हमने एसएमएस में ही पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक आईसीयू बनाया है जहाँ पीडियाट्रिशियंस रहते हैं, और वुमेन के लिए, स्पेशली वुमेन गायनी और ऑब्स्टेट्रिक के लिए हमारे तीन हॉस्पिटल्स हैं जो मेनली गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स को कैटर करते हैं। एक महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, दूसरा चांदपोल पे जनाना हॉस्पिटल और तीसरा गनगोरी। हमने सांगानेरी गेट के महिला चिकित्सालय को डेडिकेट कर दिया है जो गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स में अगर कोविड पॉजिटिव महिलाएँ आती है, मैं उनको रीअश्योर करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर कोविड से संक्रमित हो जाती है और वो हमारे महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट पे आती है तो ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड हैंडलिंग एंड पेशेंट विल बी वेलकम। अब ऐसे केस भी आ रहे हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है और वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे केस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थर्ड स्टेज को जाने पर रोकने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे और डॉक्टर्स की कितनी भूमिका है ये जो आइडेंटिफाई करने के अंदर? बेसिकली मैं बताऊँ, डॉक्टर्स की भूमिका सबसे कम है, बिकॉज डॉक्टर्स तो तब पिक्चर में आएगा जब पेशेंट को ट्रीट करना होगा। इसमें भूमिका है आम नागरिक की, आम सिटीज़न की और मीडिया लोगों की। लोग आजकल लॉकडाउन को डिबेट करते हैं, लोग आजकल आइसोलेशन को डिबेट करते हैं, मेरा मानना है इस पर डिबेट होना ही नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।